हरि बात को भूल ना मगर, माँ बाप को मत भूलना। हरि बात को भूलें मगर, माँ बाप को मत भूलना। यह गीत एक बहुत बड़ा महामंत्र है। इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से माता पिता की महिमा के बारे में अच्छा सा वर्णन किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी वर्णन हम करते हैं मंचों से, लेकिन वो जीवन में आत्मसात नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि सबसे बड़े भगवान होते हैं, है ना, भगवान से बड़े गुरु होते हैं, और गुरु से बड़े माता पिता होते हैं, और माता पिता में भी बड़ा स्थान अगर कहीं देखा गया है तो माँ का होता है। पिता भी कम नहीं होते हैं। पिता भी एक समय बच्चे को स्कूल भेजना, उसका लालन पालन करना, उसकी हर आवश्यकता को पूर्ण करना पिता की भी एक जवाबदारी होती है, लेकिन माँ को संसार के अंदर सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। और हम कहते हैं कि माता पिता ही भगवान होते हैं। बड़े बड़े आश्रमों के द्वारा और बड़े बड़ी संस्थाओं के द्वारा माता पिता के पूजन के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में पंचेड़ आश्रम द्वारा हमारे इस विश्व के महान संत हुए हैं, संत श्री आसाराम बापू, जिन्होंने सबसे पहले इस पूजा को, इस आराधना को, इस उपासना को इस पूरे जगत के अंदर कहीं अगर सर्वोपरि स्थान माना गया है, बापू जी का माना गया है। उन्होंने माता पिता को भगवान की श्रेणी में लेकर के भारत में और विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मैं व्यापक करना चाहता हूँ, और सभी लोग अपने माता पिता, दादा दादी, पितरों और पूर्वजों का सत्कार करें, ऐसा मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ। उसमें आप सभी की सम्मति मैं चाहता हूँ और आप सहमत हो। बड़े बड़े स्कूलों में जाकर के माता पिता का पूजन करवाया है। मैं भी कई कार्यक्रमों में गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो माता पिता का पूजन होता है। पिता सामने बैठते हैं, कोई दादाजी सामने बैठते हैं, इधर उनके छोटे छोटे बच्चे सामने बैठ करके पूजा करते हैं, तो उस पूजा के अंदर इतना आनंद आता है कि मैंने आज तक कोई ऐसी कर्मकांड या ऐसी कोई उपासना पद्धति नहीं देखी है कि जिसमें इतना आनंद प्राप्त होता है। जब वो गले मिलते हैं, एक ऐसा प्रसंग भी उस समय आता है जब माता पिता के गले बच्चे जब लगते हैं ना, तो अच्छे अच्छे माँ बाप की आँखों में आंसू आ जाते हैं, और जितनी चिंता होती है वो सब आंखों में अश्रु की धारा बहती है। इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं कहा जा सकता है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से माता पिता को सर्वोपरि स्थान दिया है। एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि माँ बाप के बारे में कहीं पंक्ति लिखी हुई थी कि माँ बाप जो होते हैं वो ईश्वरी रूप होते हैं, ईश्वर का दूसरा रूप ही माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप को अपने जीवन में भगवान मानकर के उनकी मन से आराधना करने की बहुत वर्तमान समय में आवश्यकता है। बहुत बड़ी कठिनाई है अभी वर्तमान में जगत के अंदर, कई प्रकल्प लेकर के लोग काम कर रहे हैं, कोई वृक्षों के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई नदियों के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई गोमाता के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ग्रंथों के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण को लेकर के काम कर रहे हैं, कोई जैविक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सब जगह अच्छे काम हो रहे हैं और ये धन्यवाद के पात्र भी हैं, लेकिन मैं सभी जगत की संस्थाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये माता पिता के पूजन का कार्यक्रम जो बापू के द्वारा इस विश्व के अंदर स्थापित किया गया है, और इससे जनमानस के अंदर जो संस्कार का वर्षण हो रहा है, माता पिता के प्रति जो भक्ति की भावना लोगों के अंदर व्याप्त हो रही है, इसके लिए भी कुछ काम करें। जगह जगह ऐसे आयोजन होने चाहिए, और ख़ास करके मैं पाठशालाओं के अंदर जो स्कूल संचालित होते हैं, विद्यालय छोटे से लेकर के बड़े विद्यालयों के जितने भी संचालक होते हैं, आप बड़े बड़े रिसर्च करें, हम मना नहीं करेंगे, रिसर्च भी होना चाहिए, अन्वेषण भी होना चाहिए, अच्छी डिग्रियां भी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ये संस्कार और ये किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। माता पिता सबके होते हैं और वो भगवान के बराबर होते हैं। ऐसे सुंदर आयोजन समय समय के ऊपर होते रहना चाहिए। मैं भी ऐसे कार्यक्रम जब करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। माता पिता ही भगवान होते हैं, और कहते हैं कि समस्या अनेक है जगत के अंदर। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब गौ माता की सेवा करें, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि अनुष्ठान कर लीजिए, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने बहुत सी जगह कार्यक्रमों में कहा है, क्योंकि मुझे ऐसा मिले हैं संस्कारों से, मैंने कहा कि जगत के अंदर जितनी भी समस्याएँ, परिवार के अंदर जितनी समस्याएँ हैं, उस समस्या का समाधान एक है। समस्या अनेक है, समाधान एक है,
माता पिता के चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक के ऊपर, हृदय के ऊपर लगाइए। और चंदन नहीं मिले कभी तो कोई आवश्यकता नहीं, रज इकट्ठी कर लो माता पिता की और चंदन में मिला करके रोज लगाइए ये माता। और आज्ञा का पालन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जगत के अंदर आए और माता पिता के प्रति उनकी जो भावना रही है, माता पिता की आज्ञा को उन्होंने पालन किया, प्रातःकाल उठ के रघुराई मात पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। ऐसे जीवन के अंदर मर्यादा भी होना चाहिए। माता पिता हमारे भगवान होते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन इसको आज से हम प्रारंभ कर दें। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब माता पिता को तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, रोज़ प्रणाम करता हूँ, अब क्या करूँ आगे। तो मैंने कहा आप ही सोचिए कुछ। तो उसने कहा कि आज के बाद जब भी मैं माता पिता के चरणों को प्रणाम करूँगा तो उनके चरणों तक लेकर के मैं आचमन करूँगा। ऐसे संकल्प जगत के अंदर होने चाहिए, तभी जा कर के ये भारत की जो पुण्य धरा है, जो कहा है ना कि शास्त्रों में तो अनेक बातें लिखी हुई हैं लेकिन उसको आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता है। ओम ओम ओम।